पवन सिंह नहीं लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। जी हां, पहले तो ये खबर आई थी कि पवन सिंह कोलकाता के हावड़ा से चुनाव लड़ेंगे, फिर उसके बाद ये खबर आई कि हो सकता है कि वो भदोही से चुनाव लड़े, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि पवन सिंह इस साल का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो भाजपा में एक स्टार प्रचारक के तौर पर रहेंगे। वो प्रचार प्रसार करेंगे, चाहे वो कोलकाता में करना हो या फिर यूपी में करना हो या फिर बिहार में करना हो, ये तो पार्टी डिसाइड करेगी। लेकिन ये तय हो गया है कि पवन सिंह भाजपा की तरफ से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उसके पीछे रीजन बताया जा रहा है कि पवन सिंह की बैक टू बैक कई फिल्में ऐसी हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। कई ऐसे स्टेज शो हैं जिसके लिए पवन सिंह ने पहले से ही रकम ले ली है और उन्हें अभी पूरा करना है, वो स्टेज शो करना है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि पवन सिंह अभी इन सब चीजों के लिए रेडी भी नहीं है। कहा जा रहा है कि पवन सिंह लोकसभा चुनाव के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं है, लेकिन पवन सिंह है कि वो अपने हर इंटरव्यू में ये कहते जरूर नजर आ रहे हैं कि अगर पार्टी उन्हें जिम्मेदारी सौंपती है तो उसका निर्वहन वो पूर्ण ईमानदारी से करेंगे। लेकिन हमारे सोर्सेस की माने तो पवन सिंह ने ये तय कर लिया है कि उन्हें लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना है, बल्कि प्रचार प्रसार करना है और सिर्फ अपनी फिल्मों पे कंसंट्रेट करना है, जिसके लिए वो आज पब्लिक में जाने जाते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए।